नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट्स, और आज हम कराएंगे इलेवेंथ क्लास की बुक है अकाउंटेंसी की, और चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग इक्वेशन, और क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वाली वीडियो में आप देख चुके होंगे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, उससे पहले हमने थ्योरी समझाई थी उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो आप ये तीन वीडियो देख चुके हैं, तो अब आज हम देखेंगे अगली वीडियो जिसमें आपको थर्ड क्वेश्चन करके दिखाएंगे। और आपको बता रखा है एक वीडियो में एक क्वेश्चन मिलेगा, आप आराम से समझ सकते हैं तसल्ली से। लेकिन ये ना हो कि वीडियो आपके पास तक रह जाए, आप अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि उनको भी पता चले कि हाँ, अगर आपको स्कूल की ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आ रही तो आप हमारी ये क्लास ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तीन लेवल हैं, तीन में से कोई सा भी, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन कराना है, थर्ड क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, पहले समझा देते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। जूम इन कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है, तो आप उम्मीद है देख पा रहे होंगे। यहाँ लिखा है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इफेक्ट दिखाना, दिखा देंगे हम। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, सैलरी पेड 2,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100, और रेंट पेड इन एडवांस 150। तो इसे देखते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से ना कर पाके क्योंकि उसमें जगह कम पड़ती है, तो हम इस तरीके से टर्न करके कॉपी को तब हम करेंगे, जिससे कि आपको सही व्यू मिल पाए और कर पाए हम क्वेश्चन। आपको अगर पेपर में करना है तो एक काम कर देना, जिससे कि आधा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा ये लेकर आप क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। लेकिन हम अभी जगह कम है, थोड़ा सा हिसाब किताब देखते हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉलम होता है सीरियल नंबर का, एक होता है ट्रांजैक्शन का, यहां हम लिखेंगे एसेट्स और यहां उसकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी, यहां पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ट्रांजेक्शन अभी लिख रहे हैं हम फिलहाल, आगे फिर लिखना बंद कर देंगे, जिससे कि आपको बस बोल के समझ में आए क्या ट्रांजेक्शन है, क्यों टाइम वेस्ट होता है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ठीक है। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है बिजनेस के अंदर, ₹50,000 कैश बढ़ गया, और जो हमने लगाया है वो आपकी कैपिटल इंक्रीज कर रही है कि बिजनेस में कैपिटल आपने बढ़ा दी है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और लायबिलिटी में कुछ नहीं हुआ तो ज़ीरो लिख दो और अगली ट्रांजेक्शन पर आ जाइए, ठीक। अगला लिखा है सैलरी पेड, सैलरी पेड, अब सैलरी देने से क्या होता है, खर्चा तो हुआ है सैलरी पेड, पेड ₹2,000, सैलरी पे करने से कैश कम होता है आपका, और ये नुकसान होने के कारण आपका कैपिटल भी कम होता है, यहाँ पे जीरो। ये ट्रांजेक्शन समझ में आ जाती हैं जब आप क्वेश्चन लगातार करते हैं, स्किप नहीं करते, कोई वीडियो देखने में स्किप नहीं कर रहा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन लिख दिया हमने, यहाँ आएगा 48,000, यहाँ ज़ीरो, यहाँ पे 48,000, ठीक है। नंबर 3, यहाँ लिखा वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपने अपने पहली वाली वीडियो देखी इंट्रोडक्शन वाली तो आपको समझ में आ गया होगा। आउटस्टैंडिंग मीनिंग है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा हो गया लेकिन दिया नहीं आपने, तो यहाँ लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। अब आउटस्टैंडिंग होने से क्या हुआ, खर्चा तो हुआ लेकिन पैसे दिए नहीं आपने, तो पैसे नहीं दिए तो कैश तो गया नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस तो बन गया आपका ₹200 का, कभी ना कभी तो दोगे ना, ऐसा तो नहीं है छोड़ दोगे, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग के नाम से यहाँ पर लिख दोगे आउटस्टैंडिंग कितने रुपए, ₹200। लायबिलिटी बढ़ गई
और कैपिटल कम हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो ज़ीरो, ये 48,000 आ गया, यहाँ पे 200 आ गया और यहाँ पे 47,800 हो गया। फोर्थ पॉइंट, ये नई इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, और फोर्थ पॉइंट कहता है, अगर आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ लिखा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब सेम है कि इंटरेस्ट देना था नहीं दिया गया, आउटस्टैंडिंग है ये भी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपये, ठीक है। अब आपने क्या किया, इंटरेस्ट देना था नहीं दिया, खर्चा तो होगा कभी ना कभी दोगे, और लायबिलिटी भी बढ़ गई, और यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे 48,000, यहाँ पे 300, 47,700। दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ साइड से पड़ोसी की आ रही है तो माइंड मत करना यार, अब हम कुछ नहीं कह सकते किसी से, कितनी बार टोकें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाने पे लगा हूँ, उम्मीद करता हूँ माइक के द्वारा आवाज़ सही आ रही होगी आपको। रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस पेमेंट कर रहे हो रेंट की, कितने रुपए, 150 रुपये एडवांस पेमेंट करने पर, अब कैश तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर पेमेंट करते तो कैश कम होता, कैपिटल कम होता, लेकिन आपने एडवांस दिया है तो एक एसेट्स का एक पॉइंट बढ़ जाएगा, एडवांस रेंट, जिसको हम प्रीपेड रेंट भी बोलते हैं, तो एक एसेट्स बढ़ गई क्योंकि आपने आगे वाले समय के लिए अभी दे दिया, और कैश कम हो गया, यहाँ ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, तो ये होगा 47,850, यहाँ 150 आ गया, यहाँ 300 आ गया, यहाँ 47,700 आ गया, सारे पॉइंट ख़त्म हो गए, तो यानी ये सेम अगर आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, और ये हो गया न्यू इक्वेशन। अगर ये टोटल करके देखो, ये देखो टोटल सेम आ रहा है तो यानी सही है, बराबर आना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सही मानते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने पास ध्यान रख के अपने दोस्तों में, स्कूल के बच्चों में ज़रूर भेजना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।